अच्छा एक बार क्या हुआ था कि हम लोग के स्कूल का एक लड़का था, बेचारा डूब के उसकी डेथ हो गई थी ना, तब से प्रिंसिपल ने मना कर दिया। तब से प्रिंसिपल ने मना कर दिया। देखो नाव अभी लगी हुई है, देखो यहाँ क्या दृश्य आएगा यहाँ पे, देखो संजीव। हम लोग यहाँ पे जो है नाव थोड़ा एक आधे घंटा घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे वापस। है संजीव प्रताप सिंह इतना आसानी से नहीं जाएंगे, संजीव जा रहे हैं नाव चलाने। आ गए यहाँ पे देखो सब लोग सोए हुए घर पे, लेकिन ये देखिए इधर एक तरफ से सोए हुए सब लोग। क्या कर रहे हैं, चलो बाहर जाओ। गंदा सब लगा। संजीव प्रताप सिंह आ गए हमको ले जाने के लिए यहाँ पे। यहाँ देखा भैया भीड़ लग गई है, संजीव सिंह के घर के सामने भीड़ लग गया। संजीव प्रताप सिंह बताइए, ऐसा ऐसा घर थोड़ी ना आई है। आज संजीव प्रताप सिंह का घर भी दिखाई देते हैं लोगों, जनता का है, जनता को घर दिखा दो, जनता का आज इनका घर दिखा दिया जाए। थोड़ी ना समझो कि पूरा महल वो महल है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हमें इनका घर दिखाते हैं, पूरा एकदम लाइन से पड़ेगा। शुरू हो गया ये घर पूरा पूरा यहाँ से लेके भैया अंदर मत तक एकदम चलत रहो। खेता सराय का रेलवे स्टेशन पूरा प्लेटफार्म के किनारे है, जैसे एकदम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखे इनके दद्दा का नाम एकदम लिखा ऊपर, एकदम ऊपर अगवा दिखाई ना सारे दिखा दो, वाह दिखा दो, अरे दिखाई एकदम याद राजा, याद राजा और दादा के नाम पे अगवा गेट हाउस बना था। ये देखिए देखिए गेट बना है दादाजी के नाम, दादाजी के नाम पे जो की स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पे गेट बना है। अभी बनने वाला संगमरमर लगेगा यहाँ पे, सब कुछ लगेगा गाँव जाने के लिए अंदर। ये है हम लोगों का, अभी एक जगह ले चलते हैं आप लोगों को, एकदम बहुत तगड़ी लोकेशन ले जाने वाले हैं हम लोग। कहाँ भैया जाऊन जगह ले जा रहे हैं वहाँ चलिए, जनता ले चल के आप अपना जगह गुजराताल जहाँ हम लोग स्कूल बंक करके जाते थे। हाँ? हाँ। सही बता रहे हैं, वहाँ चल के आपको स्पेसिफिकेशन बताएंगे उस तालाब की, दिखाएंगे फिर आप लोग लगे मतलब कैमरे में भी नहीं कैद कर सकते, इतना बड़ा तालाब है वो। चलिए अब डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं सनसना। हेलो भैया हम लोग निकल दिए हैं ताल की तरफ, आज जा रहे हैं, गाड़ी चली जाएगी इधर संजीव जी। अरे हाँ मैं भैया ड्राइवर। अच्छा गाड़ी तो जाती है इधर, चलो देख। देखो टैंकर खड़ा रहता था, हम लोग आते थे फोटो फोटो ये चला। आओ यहीं पैदल चलिए, यहीं खड़ी कैद गाड़ी फाड़ी। एक बार लोकेशन दिखा दे, इधर पीछे देखो एकदम पूरा गुजरात ताल है, इधर इधर देखिए एकदम संजीव प्रताप सिंह टैंकर। हम लोग का बचपन लागत रहा टैंकर है साला, अब पता चला कि रोड खोदने के लिए जेसीबी आई थी, जेसीबी आई है, पहले लगा हम लोग का टैंकर है साला। ये इसको बेच देंगे तो 4-5 हज़ार रुपए मिल जाएगा। 4-5 हज़ार ना साले, लोहा बहुत है, सरकारी चीज ना बिकात भैया। अरे चोर फुराएंगे साले, बेच देंगे 50,000 रुपया मिली भैया एक बेचे। और क्या मजाक है, पीछे भैया तालाब है, तालाब पास जाना पड़ेगा। हम लोग आ चुके हैं एकदम बढ़िया, देखो इतना बढ़िया मौसम यहाँ गुजरात ताल का है। संजीव प्रताप सिंह क्या कहने हैं आपके, एकदम भैया ये हम लोग का समझ लो जन्नत है, ये जन्नत थी मान लो आपको दिखा दे, मतलब यहाँ के 1400 बीघे में ये जो है पोखरा बना हुआ है, चारा गाय है, आप गाय चराने लोग आते हैं, अगर आप दूर तक नजर जहाँ तक दौड़ाओगे वहाँ तक देखो तुमको सिर्फ चारागाह ही दिखे गए, बस कुछ नहीं दिखेगा। देखो इधर ये ताल हम लोग के घर तक दिखता है, घर तक गया हुआ है। चलो तो दिखेगा छत पर, वहाँ तक गाड़ी आती नहीं है, मछली यहाँ पे। अच्छा एक बार क्या हुआ था कि हम लोग के स्कूल का एक लड़का था, बेचारा डूब के उसकी डेथ हो गई थी ना, तब से प्रिंसिपल ने मना कर दिया, तब से प्रिंसिपल ने मना कर दिया, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले थे लौंडे, जाते थे तो आज जा रहे हैं भैया फिर से दिखाने आप लोग। अभी यहाँ देखो दिख रहा होगा बहुत बड़ा मौसम, क्या सही में दिखाओ था, देखा था ये तगड़ी बारिश है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस रहे हैं हम लोग, जबकि संजीव प्रताप सिंह घुसिए। ये देखो भैया इतना बड़ा ताल है साला, ये छोटा मोटा नहीं, जहाँ तक जाएगी नजरिया ना वहाँ तक मिलेगा सब। पहले नाए वाइप चलती थी बंद कर दिए, गाय बच्चे अपने चलाने लगे थे इधर। ये देखो यहाँ फोटो शूट मस्त आते, यहीं हम लोग का पॉइंट था बैठने वाला है, यहीं आँख हम लोग घंटों बैठते थे चिल। देखो इधर नाए वाइप भी है रखी साला, यहाँ पर रखी हुई है नाव वाव इधर, क्यों राहत ना कहा मड़ैया में। यही है पूरा अपना यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हम लोग आते थे मस्त नौका बिहार करते थे, नाव वाव भी चलाते थे, लेकिन अभी तो नाव यहाँ पे ऐसे ही पड़ी हुई है, चलाने वाला भी कोई नहीं है। देखो इतना पीछे तक देखो पाओगे पूरा, मतलब ये होता है 1400 एकड़, मतलब समझ रहे हो छोटा मोटा देश बस जाए में इतना लंबे में ये ताल है, और इस समय ये उफान पे है, कहाँ ही भैया पूरा एकदम देखो इतना दूरी में जूम करके दिखाता हूँ गौरव लोग को। देखो इधर देखो इसकी सौंदर्यता देखो, इधर देखो देखो वहाँ पूरा शुरू है, उधर तले पूरा एकदम देखो जहाँ तक जाएगी नज़र वहाँ तक,
फुल जूम इन कर लिया हूँ, देखो देखो ओए होए 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 होए, यहाँ देखो 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 नाव अभी लगी हुई है, देखो यहाँ तक क्या दृश्य आएगा यहाँ पे, देखो जमा बढ़िया चौचक संजीव बता कहा बैठी है, है? अरे ये देखे यहाँ भाई एक साइड में यहाँ देखे एकदम बढ़िया से पूरे चारों ओर पानी करके बैठी है ना, ऐसा बाली हुई है भैया यहाँ ना फोटो बढ़िया देखता, अरे वहाँ पहुंचता आवत रहा भाई नाउ नौवा पाए ना फोटो की बढ़िया जय डूबी डूबी सारे भागत ना नहीं उठवा लागब अरे ना जागे चल जा ससुर पकड़े खड़ा वही नौवा पाई सब बढ़िया ना हम लोग यहाँ पे जो है नाव थोड़ा एक आधा एक घंटा घूमेंगे उसके बाद चलेंगे वापस, संजीव प्रताप सिंह इतना आसानी से नहीं जाएंगे, संजीव जा रहे हैं नाव चलाने, हम लोग आगे मड़ई में अपना सर छुपाए नहीं तो कैमरा भीग जाएगा, यहाँ संजीव प्रताप सिंह को देखिए यहाँ पाक बैठ गए हैं, मड़ई सहारा है नहीं तो हम लोग भीग जाते हैं आप संजीव, अरे हम लोग भीगे चलेगा कैमरा ना भीगे बस, हाँ हम लोग भीग जाते कौन दिक्कत ना देखो, अरे भैया देखो बरसात का मौसम ओ हो क्या रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है एकदम 1400 तालाब में देखो ओ हो वहीं हम लोग पेड़ के नीचे बैठे देखो पानी देखो क्या बरस रहा है मस्त एकदम मजेदार ढेर तेज हो गई साले बंद हुई तब चली आए ना और कैमरा भेज देना से प्रस्थान किया जाए प्रस्थान कर जाए तो बाय बाय कह दिया जाएगा फिर भैया दिखा दे ये जो नज़ारा है भैया एक कभी नहीं मिस करते थे हम लोग लेकिन अब क्या करिए स्कूल से निकल गए कॉलेजों से निकल गए हैं अब थोड़े दिन नौकरी ना करे तो घरों से निकाल लिया देखो अरे भैया तो हम लोग फिर से हम ये शर्टों पहन के तैयार हो गए कोई बात नहीं है लेकिन अगला दिन है संजीव प्रताप सिंह फोटो खींचने चक्कर में कल मेमोरी कार्ड भर गई थी अगला दिन का सबूत है कि मैं दूसरा शर्ट पहन के हां ये देखिए अगला दिन का दूसरा सबूत ये है कि मेरे पास दूसरा शर्ट है और ये मेरा मोबाइल टूट चुका है अलग हो चुका है पबजी खेलेंगे कैसे लेकिन फिर भी चल रहा है इसे बोलता है वीवो का ब्रांड तो अभी चल रहा है हम लोग बनवाने इसको देखते हैं क्या होता है तो कहाँ कितना दूरी जाओगे बहुत दूर जाना चलेंगे यहाँ अपने जिले में चलेंगे जौनपुर चलेंगे 30 किलोमीटर यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है भैया पबजी के आगे थोड़ी कुछ दिखता है पबजी के आगे कुछ नहीं दिखेगा भैया हमको जाना पड़ेगा है देखो मोबाइल चल ही रहा है मुझे कल हम लोग घूम टहल आए थे लॉकडाउन था तो सो गए थे लेकिन आज लॉकडाउन खुल गया है मुझे गेम खेलना है तो आज जा रहे हैं भैया लॉकडाउन खुल गया जल्दी करो हाँ तो चलो फिर चलो तो संजय प्रताप सिंह हम लोग की कोचिंग है ना यहाँ पे हम लोग पढ़ने आते थे 10th में ये देखो वो भी सुबह सुबह ठंडी सुबह सुबह और यही छत पे संजय प्रताप सिंह चढ़ जाते थे इनके सनसनाई के कहाँ पे कोचिंग है बंद हो गई वही कहाँ चला थे यही छत पे हम लोग बैठ पढ़ते थे साला दुपहिया में 9 बजे तक यहाँ आते रहे हम लोग बर्फी खाए यही दुकान पे हम लोग यही मार्केट में आते थे बर्फी चाय खाने रोज सवेरे सवेरे आ जाते थे फेवरेट था गभीरन बाजार आए यही स्कूल रहा एक थे देखा समाजवादी का एक स्कूल एक नाम समाजवादी रहा पहले मार्केटिया थी इतनी खराब रही अब तो रोड बन गई है मार्केट है मलहनी बाजार पूरा साला भरा हुआ संजीव प्रताप सिंह कहाँ गए हैं केन लाने गए हैं साला लेके आएगा अभी देखो पूरा भीड़ भीड़ है इधर एकदम प्रताप सिंह यही है हम लोग का ऐतिहासिक स्थल क्या है ये है लाल नहीं लाल दरवाजा है ये लाल दरवाजा है ये ना लाल दरवाजा है ये देखिए यहाँ का हम लोग का ऐतिहासिक स्थल है हम लोग जौनपुर का जौनपुर का अभी शाही पुल दिखाएंगे यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का पूरे खोल ले लॉकडाउन घंटा लॉकडाउन देखा जौनपुर लॉकडाउन चल रहा है देखो पूरा जाम लगा हम लोग के शहर में हाफ साला सनसना के एकदम पूरा आज के जौनपुर शहर घुमा देंगे सबको है अपना एकदम देखो हम लोग को निराशा लेके लौटना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को पता नहीं था एक दिन मोबाइल शॉप बंद है एक दिन कपड़ा शॉप बंद है बताइए जौनपुर शहर से लौटना पड़ रहा है संजय प्रताप सिंह कैसा लग रहा है लौटने के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बहुत ही बुरा है फिर आवे पड़ी आफत है चला रोड सही चला है सन्नदेशाला इतना दूर आओ उसके बाद फिर अगर अरे यार इतना दूर आओ उसके बाद फिर निराशा हाथ लगे ना लौट के जाओ तो बहुत तकलीफ होती है कोई बात नहीं हम लौट के जाएंगे थोड़ी का कैसे भी था मतलब चलो अरे हम बेटे अड़ा फूल आ गए हम लोग निराशाजनक होने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं फिर शाही पुलाव को दिखा दे सबसे बड़ा फेमस पुल है यूपी का जहाँ पे दुकानें लगती हैं पुल पे बनी हुई है सोचो पहला ऐसा पुल है जहाँ पुल पे दुकानें बनी हुई है मम्मी ने बनाया आइसक्रीम तो आइए चखते हम लोग आइसक्रीम तो भैया ऐसा है कि हम जो है आ चुके हैं शहर से मोबाइल बना नहीं हमारा तो हम लोग वापस आ गए अब कल से दोबारा फिर जाएंगे और एक और सरप्राइज हो कल के वीडियो में आपको मिलेगा तो ठीक है ब्लॉग खत्म करने से पहले आपको आइसक्रीम दिखाते जा रहा था मम्मी कैसे बनाई है बताते हैं आप लोग का कार्ड देखिए
देखें क्या आइसक्रीम के नाम पे बच्चों को काटा जा रहा है, यहाँ हम लोग को बहकाया जा रहा है। देखिए कुछ सिंह का कहना है यहाँ पे, यह जैसा भी है बना है, मम्मी ने बनाया है, उसको तो खाना बनता है, वो खाएंगे। देखने में बस बेशक अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन खाने मज़ेदार होगी, मुझे पता है, मैं बचपन से खाते आया हूँ। तो इसके पहले मैं जाऊँ ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं पहले वीडियो भी ख़त्म करना चाहूँगा ब्लॉग आज का। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दिया करो यार, कुछ अच्छा सा लाइक करके जाया करो, और रोज देखना है तो सब्सक्राइब कर लो ना, बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। चुटकी काट दे, चुटकी काटने के बाद चल रही पीछे देखिए, यही सब है बस, क्या बताएं, जिंदगी कट रही है यहाँ पे यार, क्या बताएं, चुटकी हमारी कट रही है, बताइए। तो चलिए ठीक है, बहुत सारा काम दे दिया, आप कर लीजिएगा जो भी बोला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।